राजेश नागर ने आज अपने निवास स्थान पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में तिगांव विधायक राजेश नागर सहित गांव क्षेत्र की समस्त सरदारी और पंच सरपंचों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। विधायक ने इस मौके पर सभी को कोरोना वायरस से सचेत करते हुए मास्क लगाने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, हमें एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इस बार की होली हमें मिलकर पानी से नहीं अभी तो फूलों की होली खेलनी चाहिए, ताकि चारों तरफ भाईचारे की खुशबू महके। पानी को व्यर्थ होने से बचाना है और फूलों का प्रयोग कर होली को धूमधाम से मनाना है, यही मेरी गांव क्षेत्र के लोगों से अपील है। दिखाई दे रहा ये नजारा तिगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भटोला में विधायक राजेश नागर के निवास स्थान का है, जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जय होली अनोखी होली कही जा रही है, क्योंकि जिसमें पानी का बचाव किया जा रहा है, यह कहना है विधायक राजेश नागर का, जिन्होंने फूलों की होली खेलकर पानी को वह होने से बचाया है और साथ ही साथ होने वाले पॉल्यूशन पर भी कहीं ना कहीं तक रोक लगाने का काम किया। देखो हमारा जो 2020 है, पिछली बार हम सब ने किसी ने यहाँ पर होली नहीं मनाई, पर अब की बार जैसा कि अभी कोरोना का दोबारा से एक लहर चली है, पूरी सावधानी के साथ भरत परम ने जो ये होली फूलों की होली मनाई अपने सभी क्षेत्रवासियों के साथ, अपने सभी सरपंच यहाँ के सभी हमारी कॉलोनियों के लोग सेक्टरों के लोग आए हैं और मैं उनको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो अभी जैसे दोबारा से दूसरा जो एक लहर दोबारा से आई है, तो हमें इसमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, जिससे कि जैसे जो हमने मेहनत की है 2020 में, वो हमारी मेहनत ख़राब ना जाए। और मैं सब लोगों को यही अपील करता हूँ कि फूलों की होली खेलें, ना कि पानी के साथ और रंग के साथ होली ना खेलें।